मुरादाबाद लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुरादाबाद से जिला प्रमुख गुड्डू सैनी मुरादाबाद के नेतृत्व में शिवसेना के पदाधिकारी 6 मई 2024 को मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। आशियाना प्रथम रेड सफायर होटल के पीछे स्थित जिला कार्यालय पर राज्य महासचिव मनोज सैनी के नेतृत्व में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक में बोलते हुए राज्य महासचिव मनोज सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें पार्टी का लक्ष्य है। मुरादाबाद में मतदान का कार्य पूर्ण हो चुका है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का पूरा समर्थन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। अब पार्टी संगठन को महाराष्ट्र में सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए शिव सैनिक पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि संबल स्थित हरिहर मंदिर को मुक्त कराना पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में संचालन महानगर प्रमुख मनोज कुमार ने किया। मुख्य रूप से राकेश कुमार प्रजापति, समरपाल सिंह, पुष्पा सिरोही, काजल सिंह, कपिल देव, मोहम्मद कासिम, ठाकुर दास सैनी, बाबा कुशल सिंह, विजय मोहन गुप्ता, तिलक सैनी, पंकज प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, मुकेश वर्मा, राजेश कश्यप, अभिषेक ठाकुर, मुनेश सैनी, गोपाल प्रजापति, सचिन सैनी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुद्दों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में क्या मुद्दे रहे? आज बैठक में तय हुआ है, मुरादाबाद से एक 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष गुड्डू सैनी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए जाएगा और वहां पर जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है वहां पर प्रचार करेगा। और माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 14 सीटों पर वहां पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है और अपनी भूमिका निश्चित करके 14 सीटों पर उनको जिताने के लिए वहां पर काम किया जाएगा। और हमें आशा है कि शिवसेना के सभी सांसदों के बलबूते पर एनडीए की सरकार बनेगी और हमेशा की भांति शिवसेना की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा जो संभल स्थित हरिहर महादेव मंदिर का मुद्दा शिवसेना के द्वारा हमेशा उठाया जाता रहा है, इस मुद्दे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी को अवगत कराया जाएगा और आने वाले जो नवनियुक्त सांसद जीत कर आएंगे उनके द्वारा संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिहर महादेव मंदिर के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और बहुत जल्दी जो अन्य तीर्थ स्थलों के साथ साथ हरिहर महादेव मंदिर को भी मुक्त कराया जाएगा। ये हमारा एक उद्देश्य है।